मेरी आपसे विनती है, उन दिनों में रेयर ऐसे लोग होंगे जो आखिरी तक इस टॉर्चर को बर्दाश्त करेंगे जो मार्क नहीं लगाने वालों के ऊपर दिया जाएगा। इसलिए मेरी सलाह है, आज प्रभु की बात मान लीजिए, यीशु मसीह के संग दोबारा आने के वक्त में ऊपर चले जाइए, ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा ढिठाई मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वहां उद्धार पाना बड़ा कठिन हो जावे। आपको मालूम है 7 साल के महाक्लेश काल में शैतान के साथ में समझौता नहीं करना तो उसके लिए भला यह है कि वह मृत्यु को गले लगा ले। अब खुद टिक 20 मत पी लेना, खुद गले में फांसी ना लगा लेना, नहीं तो आत्महत्या के चक्कर में जो चांस ऊपर जाने के थे वो भी गए। नीचे 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 का रिजर्वेशन पक्का। इसका मतलब है आकस्मिक मौत जो इस एकल सरकार के द्वारा उन मनुष्यों को दी जाएगी जो उसकी सहमति में नहीं पाए जाएंगे, उनका मर जाना ही भला है, खुद नहीं मर जाना, नहीं तो आत्महत्या हो जाएगी। पर उनके द्वारा मारे जाने के लिए तैयार रहना तो आप शहीद हो जाएंगे, क्योंकि यदि वे परमेश्वर की सच्चाई में मर गए तो वे उद्धार पा गए। ऐसे समय में मुर्दे प्रभु में मरते हैं वाली कहानी आ जाएगी। आज ही आप अपने सरकार से इतने परेशान हैं जो रिहर्सल चल रही है, आप क्या कर लीजिएगा? नौकरी नहीं है तो क्या कर लीजिएगा? आप जो करना है वो कर लीजिएगा, सामने वाला वही करेगा जो उसको समझ में आता है। तो ऐसे समय में इस रिहर्सल में हम इतने परेशान हैं तो आने वाले युग में जब ओरिजिनली शैतान का साम्राज्य इस धरती पर होगा तो कितने कष्टदायक समय होंगे, थोड़ा सोच के देखिएगा ना। इसलिए सही रास्ते पर चल पड़े।